हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। आप देख रहे हैं Study3Y यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास का जो रिजल्ट से संबंधित मैं खास करके अपडेट लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा राइट न्यूज़ लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी जो 12th क्लास के जो छात्र हैं सभी के पास जो इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से बता दें कि जो 2020 में जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी से 24 फरवरी तक, ठीक है, जबकि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का जो परीक्षा हुआ था 3 फरवरी से 13 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2019 से बात करें तो बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड 10वीं का जो परीक्षा 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। उसके बाद इंटरमीडिएट की बात करें तो इसका जो परीक्षा 6 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित की गई थी। लेकिन जो इसका रिजल्ट है 10वीं का, ठीक है, 10वीं का रिजल्ट जो घोषित किया गया था 6 अप्रैल को, जबकि 12वीं का रिजल्ट 30 मार्च को घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 30 मार्च को 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस बार भी उम्मीद जो जताई जा रही है दोस्तों, जो रिजल्ट है आपको कम से कम यहाँ पर जो रिजल्ट आपको घोषित किया जाएगा कम से कम 24, ठीक है, 24 मार्च तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 6-7 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है घोषित कर दिया जाएगा। और मैट्रिक से संबंधित हम बात करें दोस्तों, तो आपको 28 अप्रैल तक, ठीक है, 28 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है मैट्रिक का घोषित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो बिहार बोर्ड 12th क्लास से संबंधित, ठीक है, बिहार बोर्ड 12वीं में कुल जो 79.76% जो स्टूडेंट पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स से संबंधित बात करें तो आर्ट्स से संबंधित, ठीक है दोस्तों, इसमें 76.53% जो आर्ट्स से स्टूडेंट पास हुए थे। और कॉमर्स से बात करें तो 93.2%, ठीक है, और साइंस से बात करें तो 81.20%। सबसे अधिक जो पास हुए थे कॉमर्स से, ठीक है दोस्तों, 12th क्लास में जो छात्र पास हुए थे कॉमर्स से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुल जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे 10,19,795, ठीक है, 795 जो एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो साफ साफ आज का अपडेट है, ठीक है, जो बताया जा रहा है, जो पहले का जो रिजल्ट घोषित किया गया था 2019 का, जो 2019 से संबंधित अपडेट है। तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि आपका जो रिजल्ट है 12th क्लास का 24 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।